जीतो चले, हम रूम से इस वक्त बाहर आ चुके हैं क्योंकि अंदर ज़रा थोड़ी सी पर्सनल डिस्कशंस हो रही थी। मेरे ख्याल से थोड़ी सी लड़ाई भी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि उनको डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये चीज़ परचेज की है, अब ये चीज़ तेरी है, ये चीज़ मेरी है। तो वो अंदर थोड़ा सा ना गड़बड़ वाला सीन हो गया। बहरहाल मैं और हसनैन जो है वो सब रूम से बाहर आ गए हैं क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप लोगों को पत्थरों की डिटेल बताएं जो हमने स्टोन्स वगैरह परचेज किए हैं मार्केट से। तो इसकी डिटेल जो है वो सारी हसनैन बताएंगे कि कौन सा पत्थर, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है स्टोन्स के बारे में। हाँ, शौक ज़रूर है, पसंद जो आया मैंने वो ले लिया है। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे स्टार के साथ मैच होता है कि नहीं होता, क्योंकि कहते हैं अक्सर कि जो स्टोन्स आप पहनते हैं ना वो बेसिकली स्टार के साथ मैच करना बहुत लाजमी होता है। लेकिन शजीब भाई, ये सिर्फ मिथ है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद अब मुझे मेरा टेम्परेचर, मतलब कह लो ना कि टेम्परामेंट मेरा ज्यादा हाई है, मतलब गुस्सा आता है ज्यादा। हाँ, लेकिन मैंने टाइगर बैग कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइगर मैंने सुना है कि वो काफी गर्म पत्थर है, गर्म पत्थर है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा टाइगर मेरे पास था तो मैंने अब तो लिया नहीं क्योंकि मेरे पास डिफरेंट कलेक्शन घर में पड़ी हुई है। तो आपको मैं साथ साथ बताता चलूं, ये पहले, सबसे पहले मैं अपनी कलेक्शन बताऊंगा आपको। ये दो मेरे पत्थर है, आप देख सकते हैं, ये लाइट मार के दिखाए ना ताकि इनको थोड़ा समझ आए। ये देखे, ये जो पत्थर है, क्या खूबसूरत पत्थर है, ये रूबी है। ये बेसिकली मेरे ख्याल से पिंक कलर का है लेकिन लाइट में रेड शो हो रहा है। ये रूबी पत्थर है, ठीक है, बहुत खूबसूरत। इसके कट्स देखेंगे, मतलब ना डायमंड कट होता है ये, पूरे प्रॉपर डिजाइन, उन्होंने शेप दी हुई है बेसिकली। उसी तरह सब इसका तो सबको पता होगा, ये नीलम है। आपको नजर आ रहा हो कि ना आ रहा हो, इसके अंदर एक पूरा ना जाल सा बिछा हुआ है, मतलब तुम पूरा नेस्ट टाइप इन्होंने पत्थर के अंदर जाल, ठीक है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मेरे पत्थर क्लियर हो गए। एक हमजा भाई है हमारे, उनका ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पत्थर है, ये तो यूनिवर्सली पत्थर है, अकीक है, ये यमनी अकीक है। उसके बाद चलते हैं हम उमेर भाई के पत्थर की तरफ, उन्होंने भी लिया है, ये सन सितारा पत्थर है, सन सितारा बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर ना बेसिकली स्टार्स की तरह, स्टार्स की तरह चमकीला टाइप, ये और ये सारे वीडियो में शो आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइट के ऊपर रखे ना, लाइट बहुत खूबसूरत, ये देखें बिल्कुल स्टार्स की तरह आपको शो होगा। दूसरा जो मेरा वाला पत्थर है वो भी बिल्कुल सेम है, बस अच्छा आपने कलर पे डिफरेंट कलर, मुझे लगा ना ब्लू लिया। नहीं, मैंने पहले ब्लू लेना था लेकिन उमेर ने मुझे इन्फ्लुएंस करके ना। उसके बाद बहुत खूबसूरत ये जुमुर्द, सेम वो नीलम रूबी की तरह। अच्छा, ये इसका अहमद भाई का पत्थर है? नहीं, ये निसार भाई का, निसार भाई का खूबसूरत, निसार भाई का ये एक पत्थर है और निसार भाई ने बहुत खूबसूरत फिरोजा लिया। आप ये देख रहे हैं नेचुरल है, इसके पीछे ये थोड़ा सा रॉ लग रहा है मुझे, रॉ नहीं होता ये, ये ना जब आप अंगूठे में बनता है ना तो ये इसके थोड़ी सी रगड़ाई होती है तो ठीक हो जाता है, ठीक हो आपके एडजस्टमेंट। लेकिन आप इसकी शेप अभी अभी भी पॉलिश हुआ है ऊपर से, नहीं इतना पॉलिश नहीं हुआ ये, जितना अभी जाके जब जिसने रिंग के अंदर आना ना तब पता चलेगा कि इसकी क्या खूबसूरती है, बेहतरीन। ये निसाबे के पत्थर हो गए। अच्छा, वो अहमद वीला पत्थर दिखाएं जो वो बता रहे थे कि लाइट के साथ अगर ऊपर रखे, देखिए नॉर्मल में ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने लाइट में रखा है, लाइट में अब थोड़ी देर रखेंगे ना तो इसका ना ये टेम्परेचर के साथ चलता है, मतलब अगर ये धूप में पहनेंगे तो ये कलर इसका डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमें व्हाइट शो हो रहा था स्टार्टिंग में वीडियो में, उसके बाद आप देखेंगे ग्रीन हो गया, नजर आ रहा है ये ना थोड़ा सा जलने लग गया, क्योंकि ना टेम्परेचर के साथ खूबसूरत पत्थर है, लाइट के साथ रिफ्लेक्शन के साथ ही चलता है। और अहमद भाई ने एक और फ्रोजा लिया था उन्होंने, लेकिन छोटे साइज में लिया लेकिन बहुत खूबसूरत है, देखें इसको जड़ों वाला कहते हैं, जड़ होती है इसके अंदर ना, इसके अंदर आप लाइंस वगैरह देख रहे होंगे, ठीक है ठीक है। तो आप देखें ये बहुत खूबसूरत फिरोजे दो हैं। अच्छा हसनैन भाई, मुझे एक और बात बताइएगा कि मैंने सुना है कि पत्थर जो ओरिजिनल होते हैं ना ये बहुत कम मिलते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि हमें ये ओरिजिनल मिले हैं यहाँ से? सर ओरिजिनल की गारंटी ये देखें, आपको मैंने एक पत्थर ही दिखाया, फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये फिरोजा है, इसके पीछे ना हमें पत्थर नजर आ रहा है, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं, हाँ ये पत्थर ही लगा हुआ है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। हमने कुछ रॉ भी लिए थे, वो तो खैर वो मेरे ख्याल से बैग में पड़े हैं, चले वो फिर अगले उसमें व्लॉग में दिखा देंगे। लेकिन इसके साथ हमें एक गिफ्ट भी मिला है, वो भाई शॉप वाले ने हमें गिफ्ट दिया, उन्होंने कहा आप आए हैं, उन्होंने ये हमें दी है, हम आज हम शायद ट्राई करें, हम इसको ट्राई करेंगे भाई, देखें लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस होगा हमारा ये सलाजीद है। वो मतलब जो लोग कमर का दर्द है, जो मतलब थोड़ी ओवर एज है ना, इसका इस्तेमाल करें, ओरिजिनल होगा, हड्डियों की दर्द होगी, कमर की दर्द होगी, आपके घुटनों की, जितनी भी जॉइंट्स आपके पेन करते हैं ना, और इसको दूध में इस्तेमाल करते हैं, दूध में डालते हैं। अभी जो प्योर होती है ना उसमें क्या होता है, ये प्योर आपने दूध के अंदर डाली है, गर्म दूध के अंदर, जब इसमें पूरा मिक्स हो जाना है उसके बाद आपने कपड़ा लेना है, कपड़े से आपने दूध छानना है, ठीक है, छानने के बाद जो निकलेगा वो पीना है, क्योंकि ना इसके अंदर जब ये पहाड़ से निकलती है इसके अंदर जरात होते हैं मिट्टी के, डिफरेंट गंदगी भी कह लो, मतलब मिक्सर होता है ना, मिक्सर होता है, तो जो हमने पीनी है ना उसमें हमने दूध में इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी
क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि हम क्वांटिटी ये तो ये बहुत ज्यादा ये 10 बंदे भी मतलब दूध में डाल के पिए ना एक हाथ से उतार के दिखाएं कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। हाँ, अगर अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो वो इतनी क्वांटिटी ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी ये भी ज्यादा है दूध में जो मिक्स करके पिएगा बेहतरीन। तो ये बहुत थोड़ी है, लग रही बहुत थोड़ी है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा तो बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि डिस्कशंस खत्म हो गई हैं, थोड़ी सी परेशान हालत है। ये देखिए इनके फेसेस से आपको पता लग रहा होगा कि काफी डीप डिस्कशंस हुई हैं शॉपिंग के बारे में। नहीं 0.5 पे बना रहा हूँ तो मतलब हम सारे आएंगे नीचे इनकी आप लोगों को आपको शक्ल से लग रहा है। अच्छा ये ना थोड़ा सा चालू हुआ कैमरे से क्योंकि प्यारा नहीं है ना। अच्छा बहरहाल ये भाई है, ये हम ड्रोन शॉट्स देख रहे हैं, ड्रोन शॉट्स देख रहे हैं यहाँ पे चेक करें। अभी अभी है ना सेक्सी, ये सारे अभी सरप्राइज रहने दे। ठीक है मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जी। तो दोबारा व्लॉग को मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से हमने स्टोन्स वगैरह आपको दिखाए थे, क्योंकि पहले हमारे पास रॉ जो थे ना वो कहीं और जरा हमने रखे हुए थे दूर जगह पे, बट आल खैर हमने वो वहां से निकाले स्पेशल सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को दिखाए। ठीक है रॉ किस तरह पॉलिश तो खैर हर बंदे ने देखे होते हैं, रिंग में डाल के वो सारा कुछ खैर देखते ही रहते हैं, हर किसी बंदे ने पहने होते हैं, लेकिन आप लोगों ने रॉ मेरे ख्याल से किसी काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नहीं देखे होंगे, तो हसनैन भाई आपको बैठ के उनकी डिटेल्स बताएंगे और उनका रॉ जो है वो पत्थर जो है वो उसकी जरा बारीकी दिखाएंगे कि वो कैसे होते हैं। जी हसनैन भाई आज शजीब भाई माशाल्लाह ये इतने खूबसूरत है ना कि आपकी सोच होगी ये अभी लोगों को लग नहीं रहा क्योंकि रॉ चीज होती है ये पत्थरों में से ना डायरेक्ट आप ये देखें टूट टूट के ये पत्थर निकलता है। पत्थरों में क्या होता है इनकी जरा दिखाएं फोकस करके, एक नजर आ रहा है खूबसूरत है बहुत, ये व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट कलर का ये देखिए मैंने सुना ये रेन ड्रॉप से तो नहीं बनता। हाँ हाँ रेन ड्रॉप से बनता है बारिश के कतरों से, जब ये पहाड़ों में बारिश होती है ना जहाँ हाँ, हाँ, वो रेन ड्रॉप नहीं होते असल में वो होते आबशार वाले। ठीक है समझ गया मैं, आबशार वाली जगह पे पथरी आप देखा होगा पथरीली इलाका होता है ऐसे ही ऐसे ही। हमारे ब्लॉग में जब हम गए हैं वहाँ पे काफी ज्यादा पथरीली इलाका ड्रोन शॉट्स हैं। ठीक है तो वो आप जब वहाँ पे जाएंगे ना कुछ एरियाज हैं, हर एरिया में भी नहीं कुछ एरियाज में मिलते हैं। ठीक है देखें ये बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, इसमें से तकरीबन ये रॉ तो हमें जितने का भी मिला लेकिन इसमें से तकरीबन 10 से 12 पीस बन सकते हैं, जो कह लेंगे वर्थ अगर कैरेट के हिसाब से करें ना तो 10 से 15,000 मतलब इसकी वर्थ है वर्थ होगी जो हमारे स्टोन्स निकलेंगे। ठीक है 10 से 15 पॉलिश होगी मिनिमम मिनिमम का। एक ये पत्थर देखें ये भी प्योर पूरा पत्थर है, इसका क्या नाम है? इनके नाम मुझे नहीं आते क्योंकि नाम उन्होंने बताए थे बहुत एक्वेरियम टाइप कुछ इस तरह का नाम था, मतलब काफी डिफिकल्ट नाम था, डिफिकल्ट नाम थे क्योंकि हमें पता नहीं है जो हमें नाम की जरूरत ही नहीं, देखने से इतनी खूबसूरत चीज लग रही है, खूबसूरत चीज है नाम को क्या करना है जब चीज इतनी खूबसूरत है। खैर दूसरा दिखाइए ये ब्लू वाला दिखाएं, ब्लू वाला बड़ा काफी क्लासी लग रहा है, ये बहुत ही क्लासी है, इसमें से लाइट पास नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल वो डिफरेंट हर हर क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ये बहुत खूबसूरत है। इसमें भी कम से कम 10 से 12 स्टोन निकलेंगे जिसकी वैल्यू तकरीबन कैरेट, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेट होता है तकरीबन 150 150 200 250 के हिसाब से कैरेट रुपीज होता है। ठीक है पर कैरेट, और ये जो मिनिमम छोटा अब कैरेट का पत्थर होता है ना मैंने आपको दिखाया था 15 से 20 कैरेट का होता है मिनिमम 10 से हाँ 15 से 20 कैरेट, जो मैंने आपको अपने रूबी और वो दिखाया ना हाँ जी दूसरा नीलम वो तकरीबन 17 कैरेट का था, 13 कैरेट का था बिल्कुल, तो वो तकरीबन आप हिसाब लगा लेंगे एक ही पत्थर 2,000 2,300 इस तरह प्राइस बनती है। तो आप ये हिसाब लगा लें इसमें से 10 निकल आए तो 22,000-23,000 रुपए बन गए, मतलब रॉ में बंदा फायदे में रहता है लेकिन अगर अच्छा बंदा मिल जाए पॉलिश करने वाला रॉ में फायदा रहता है लेकिन अब मसला ये है क्योंकि ना इसके लिए मशीनरी बहुत ज्यादा हाई चाहिए होती है क्योंकि बहुत बड़ी मशीनरी होती है जिसमें ये रिफाइन हो रहे हैं। अब असल मसला क्या होता है हम किसी को ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा इसमें, अभी उस बंदे को पत्थर दिया इसमें 10 से 12 पत्थर निकलने हैं छोटे जो जिसकी तकरीबन 13 से 15 कैरेट के दरमियान होंगे अच्छे साइज के जो ये फिंगर के अंदर आ जाएंगे जो अच्छे लगेंगे नॉर्मल छोटे साइज वाले नहीं अच्छे साइज वाले। ठीक है जो तो उसमें से अब वो क्या करेंगे इसमें से वो पत्थर बीच में से चोरी कर ले हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि अब वो मशीनरी के पास उन्होंने लेके नहीं जाना उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। एक सबसे खूबसूरत नयाब बहुत कम पाया जाने वाला उसका मैं बहुत सा छोटा सा पीस मिला है अब आपको मैं लाइट मार के दिखाता हूँ ये इसमें से ना मुझे ये वो कॉपर टाइप की लुक आएगी ये उसको घुमा के दिखाएं जरा ये मैं एक एरिया दिखाता हूँ जहाँ से ये रिफाइन होगा ना ये देखें हाँ जी बिल्कुल तो ये तकरीबन उसको मेरे ख्याल से कुछ सोने टाइप कह रहा था सोना क्या कह रहा था मुझे याद नहीं है सोना टाइप कह रहा था क्योंकि देख रहे हैं
ये इसकी इसकी ना बेसिकली डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत बहुत ज्यादा है। डिमांड सर अगर सही पॉलिश हो, डिमांड कैसी बढ़ती है? अब फिरोजा है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि हर बंदे को पता है फिरोजा है। इस पत्थर के बारे में किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल, ये कुछ ब्लैक ब्लैक गोल्ड के नाम से, कुछ इस तरह के नाम से कुछ मशहूर है। अब ये मैं स्पेसिफिक नेम नहीं पता क्योंकि डिफरेंट पत्थर है। ठीक हो गया। तो ये नया अब कैसे डिमांड बढ़ती है? जो आपको बता रहा हूँ कि फिरोजे की डिमांड हर बंदे को है कि भाई मैंने फिरोजा पहना हुआ है, या मैंने अकीक पहना हुआ है, या मैंने याकूत पहना हुआ है, या मैंने नीलम पहना हुआ है। ये पता, ये पत्थर किसी को पता ही नहीं कौन सा है। तो ना पता है तो ना पहनते हैं तो ना डिमांड होती है। किसी को पता होगा तो डिमांड क्रिएट होगी ना मार्केट के अंदर। बाकी इंशाल्लाह इसके साथ आपको और भी चीजों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत है क्योंकि अभी हमारा चाय का टाइम हो गया, चाय पियेंगे, ठंड बहुत ज्यादा कड़ाके। अच्छा मैं चाह रहा था, सॉरी मेरा हाथ आ गया, खैर मेरा सीखने में टाइम लगता है व्लॉग बनाने में। हमारी इतना लंबा तो खींच रहे हो ना, इतना लंबा तो आना ही नहीं है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा बना ली हमारी चाय है, चाय का टाइम हो गया, मिलते हैं चाय के बाद।